राजमंत्र में ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप सब जिस सेगमेंट का वेट करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, वो सेगमेंट आ चुका है। मार्केट में क्या हालात बने रहेंगे इस वीक में, इस बारे में बातचीत करते हैं। पंडित जी, ओवरऑल शेयर मार्केट जो है वो क्या कह रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों में हम लोग ने देखा कि थोड़ा सा उतार जो है वो हमें दिखाई दिया, बाजार जो है वो गिर गया था। तो आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो कैसा रहने वाला है, क्या हालात बने रहेंगे मार्केट में? देखिए, दो चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं चाइना का क्राइसिस, चाइनीज मार्केट में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, और चाइनीज़ मार्केट को लेकर उसके पहले ग्रीस को लेकर बहुत बड़ी समस्या चल रही थी। पहले चाइनीज़ मार्केट, फिर ग्रीस की समस्या, वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक हलचल मचा दी उसने। और उसके साथ भी में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट की आउटपुट जो है उसने भी समस्याएं खड़ी कर दी। एम्प्लॉयमेंट की आउटपुट ने समस्याएं खड़ी कर दी। कंटिन्यूसली मार्केट में एक गिरावट आई। डॉजॉन, जिसको हम अमेरिका का सबसे बड़ा बाजार कहते हैं, डॉजॉन कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट गिरा, 18400 से 17400 तक आ गया। इसी तरह नैसडेक जो है वो भी 400 से 500 पॉइंट उसकी भी गिरावट हुई। सिंगापुर निफ्टी की बात करें वो भी गिरी। उसका असर जो है भारतीय बाजार पर भी हुआ। अब हम ग्रह दशा की बात करते हैं, शनि मंगल की राशि में है, चंद्रमा की राशि कर्क में, इस वक्त मंगल, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। रेस्टलेसनेस तो हर जगह होती है, बाजार में भी होगी। इस तरह की रेस्टलेसनेस कंटिन्यूसली आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने प्रेडिक्ट किया था तो मार्केट 600 पॉइंट गिरी, और अब जो बाजार की अगर हम बात करें 27,500 के करीब करीब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। ये आगे आने वाले दिनों में 26,800 भी हो सकता है। मगर पिछली बार मैं कह रहा था आई एम बेरिश इन द मार्केट, मार्केट गिरेगी, और तीसरे दिन सोमवार को मार्केट ने 600 पॉइंट का गोता खाया। इस वक्त अगर हम बात करें अगले हफ्ते की, यानी कल से जो बाजार खुलेगा, उसमें बाजार में थोड़ी तेजी रहेगी मगर वो तेजी बरकरार नहीं रहेगी। बीएससी 26,600-26,700 का आंकड़ा छू सकती है, 27,800 या 28,000 तब भी भारतीय बाजार आगे आता दिखाई देता है। क्योंकि मैं कार्यक्रम के शुरुआत में बोल चुका हूं कि भारत अपनी काल सर्प दोष की कुंडली से बाहर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हमारे देश की अर्थनीति के ऊपर, हमारे देश के बाजार में फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई विस्फोटक घटना हो सकती है उसका बाजार पे असर जबरदस्त पड़ सकता है, जिसके अगले 15 दिनों में कोई आसार नजर नहीं आते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी अगर हम देखें तो 8,450 के करीब करीब झूल रहा है। ये 8,320 के करीब नीचे आ सकता है, ऊपर का स्तर 8,600 के करीब, 8,650 के करीब करीब निफ्टी एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ सकता है। जी, और गोल्ड और सिल्वर में काफी वो आई है, गिरावट आई है, तो वो बनी रहेगी गिरावट? देखिए, गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है गुरु, एक हमारा जो ग्रह होता है उसके साथ में संबंध रखता है। गुरु इस वक्त सिंहस्थ चल रहा है। गुरु इस वक्त सिंहस्थ होने की वजह से उच्च का हो जाता है, सिंहस्थ होने से उच्च का हो जाता है, मगर मुहूर्त नहीं होता है। आपने देखा होगा जब भी गुरु सिंहस्थ होता है तो शादियां नहीं होती, कोई अच्छा मुहूर्त नहीं होता। हाँ। तो ये अगले 6 महीने साल भर चलता रहेगा। गोल्ड मित्रों 24,800 के करीब करीब इस वक्त भारतीय बाजार में झूल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,080 के करीब करीब पर 1,080 डॉलर पर औंस के करीब करीब चल रहा है। भारतीय बाजार में अगले 15 दिनों में गोल्ड 24,200 का आंकड़ा काट देगा।
यानी नीचे का स्तर 24,000 और ऊपर का स्तर 24,950-25,000 दिखाई देता है, यानी इन गोल्ड आई एम बेरिश, गोल्ड जो है वो नीचे आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए अभी खरीदने की इच्छा मत प्रकट मत करें, गोल्ड के लिए रुक जाएं। आगे आने वाले दिनों में गणपति आएंगे, उसके बाद में दीपावली आएगी, उसके बीच में बकरी ईद आएगी, तो कहीं ना कहीं गोल्ड खरीदने के आपको मौके मिलेंगे, जो आपको हो सकता है 22,000-23,000 में भी खरीदने को मिले। इन द लॉन्ग रन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर गोल्ड कैन टच इजीली 22,500 रुपीज, सो आई एम बेरिश इन गोल्ड। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 33,000 रुपए पर केजी इंडिया में चल रहा है, भारत में 33,000 का आंकड़ा जो है सिल्वर तोड़ता हुआ नजर नहीं आता है। ये समझ लें कि दिस इज़ द टाइम टू एंटर इनटू सिल्वर। जो लोग रोज़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, सट्टा बाजार में खेलते हैं, उनके लिए सिल्वर खरीद कर 3 महीने बैठ जाएं, 35,000-36,000 सिल्वर के आने के पूरे पूरे योग हैं। वायदा बाजार के लिए आपके लिए ये अच्छा मौका है जी। तो सिल्वर और गोल्ड की हमने आप बात की, और प्रॉपर्टी मार्केट के साथ बिल्कुल देखिए, जब रेस्टलेस आती है तो सब जगह आती है। प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें तो मंगल के साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि मंगल धरती के साथ में जुड़ा हुआ है। हर चीज की एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं आपको, यह बात ध्यान रखिए। धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रमम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि हम। तो मंगल धरती के साथ में जुड़ा होने की वजह से मंगल का गोचर देखेंगे तो वो भी अपने शत्रु चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी मार्केट में भी एक 6 महीने से साल भर में करेक्शन आने के पूरे पूरे योग हैं। 15-20% करेक्शन आ सकती है, इसलिए बाजार में जो आदमी 50,00,000 से 1,00,000 रुपए का घर खरीदना चाहता है उसको रुक जाना चाहिए। अगले 3 महीने के बाद में प्रॉपर्टी मार्केट में जो गिरावट आएगी उसमें कहीं ना कहीं नेगोशिएट करके वो आप घर खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं राजकमल अपने दर्शकों को बहुत ज़रूरी बातें कहना चाहता हूँ कि जय महाराष्ट्र या पंडित राजकुमार शर्मा, आपके खरीदे हुए सौदों का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी खरीदते हैं कुछ भी बेचते हैं, एक अपने अन्य विशेषज्ञ की सलाह भी लें। हमारी भविष्यवाणियां, हमारा मंच जो है आपके लाभ और हानि के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, बट बाय द एंड वी विल टेल यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट इन्वेस्टमेंट, गॉड ब्लेस यू। अब हमारे पास आखिरी 1 मिनट है, हमारे जय महाराष्ट्र के और राजमंत्र के दर्शकों के लिए क्या टिप्स देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बहुत ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन, कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है बच्चा, कहीं ना कहीं माँ बाप सर्विस करते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, बच्चा सर्वेंट के पास है या दादी दादा के पास है। जब सर्वेंट के पास हैं तो सर्वेंट के पास में अगर आपकी लड़की है तो वो सर्वेंट किस तरह का व्यवहार करता होगा आप तो नहीं देख पाते हैं, आपके बेटे के साथ कौन सा व्यवहार कर पाता होगा वो आप नहीं देख पाते हैं। अपने बच्चों को समय दें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, हो सके तो हर 6 महीने में उनको अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। उसकी सेहत अच्छी होगी तो उसका दिमाग अच्छा चलेगा, उसका दिमाग अच्छा चलेगा तो उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा, उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा तो वो आपका नाम रोशन करेगा। इसलिए यू ऑल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड योर हेल्थ आल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चिल्ड्रन एंड फॉर योर सेल्फ। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। आज 10-15 साल के बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है जो कभी भी सुनने में नहीं आता था, क्योंकि बच्चे को घर का खाना कम पसंद आता है, पिज़्ज़ा या बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जंक फूड ज़्यादा खाता है बच्चा। उसको कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे घर के पकवान खिलाने का प्रयत्न करें। बच्चों की सेहत, अपनी सेहत समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। समाज तभी सुदृढ़ होगा जब समाज के में रहने वाले लोग जो हैं वो अच्छी सेहत और सुदृढ़ होंगे। पंडित जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजमंत्र में आज हम यहीं रुक रहे हैं, अब अपनी मुलाकात होगी शनिवार, अगले शनिवार रात को 8 बजे तक।